अगर ठाकुर के कुएं में पानी होता तो अपने पिताजी के नाम पे निर्दलीय चले जाते सदन में और निर्दलीय जाके दिखाते, तब पता चलता कि ठाकुर के कुआं में कितना पानी है। आनंद मोहन भी हारेंगे, चेतन आनंद भी हारेंगे, लवली आनंद भी हारेगी। सही मायने में हम लोग के कुएं में पानी है, जिस पानी के सहारे ये लोग सदन में जाते, लोकसभा में जाते हैं। कैसे लोगों को सदन में पहुंचाते हैं? आप कल तक ए टू जेड की बात कर रहे थे साहब, आज धोखा देने वाले कौन है? आपके पीठ पे छुरा चलाने वाले कौन है? पगड़ी बांध करके और ठाकुर के कुआं, नकली कुआं का पानी सुखा देना है इस बार। जी कृष्णैया की हत्या में चक्की पिसिंग तो अब वो न हो रहे भाई, इसलिए वो तत्मस्तक हो गए। उधर अनंत सिंह की मैडम का नाम नीलम देवी, नाम वो भूल जाते हैं जी, क्या ऐसे लोग जिस कुआं में पानी ना हो तो क्या के लिए नाम याद रखेंगे रे भाई। हत्यारे आनंद मोहन के बेटा के ऊपर में पहले से ही शक था कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। वो राजद के विधायक भले थे, लेकिन वो पहले ही, हमने कई ऐसे वीडियो में, आप फतेह बहादुर का वीडियो देखिए या आप रामवृक्ष सदा का वीडियो देखिए या कई ऐसे वीडियो देखिए, हमने पहले ही कहा था कि क्रॉस वोटिंग वो लोग कर सकते हैं, और अंत में हुआ यही, वे लोग क्रॉस वोटिंग कर दिए। वे लोग जा कर के NDA के साथ में बैठ गए और NDA के साथ में वोटिंग कर दिए। इसके चलते राजद की सरकार नहीं बन पाई, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सदन में जब बैठे थे, सदन अभी चल ही रहा था, उसी बीच में उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पर कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, सबको पानी पिलाना है, और उसके बाद कुआं का धुआं हो गया है, आप सब कोई जान रहे हैं। हमारे साथ में राजकुमार भाई है। राजकुमार जी, कैसे देख रहे हैं? ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, आपको भी पीने जाना पड़ेगा। सुन लीजिए, आपको बता दूं कि अगर ठाकुर के कुएं में पानी होता तो अपने पिताजी के नाम पे निर्दलीय चले जाते सदन में और निर्दलीय जाके दिखाते, तब पता चलता कि ठाकुर के कुआं में कितना पानी है। आपको बता दूं कि हम बहुजन शोषित गरीब दलित अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का सहारा लेना पड़ा, तब वो ठाकुर का कुआं में पानी आया। अच्छा, आपके सहारे? हमारे सहारे, हम लोग के सहारे। जितने लोग पाला बदले हैं, अपने पार्टी से गद्दारी किया है, वैसे लोगों की जनता चिन्हित कर चुके हैं और लोकसभा लड़के दिखाए। ये आनंद मोहन भी हारेंगे, चेतन आनंद भी हारेंगे, लवली आनंद भी हारेगी। ये सभी को ही हारेगा, ये सभी को ही हारेंगे, और मोकामा भी हारने के कगार पे हैं। ये सब आते हैं साहब, इन लोग के घर से बहु बेटियां निकलती है वोट देने। अगर बूथ पे सारा लोग चढ़ के वोट देता है और सदन में अगर चेतन आनंद जैसे लोग जाते हैं तो हम बहुजनों की ताकत है, हम दलितों की ताकत है। इन लोग में इतनी ताकत नहीं, पानी तो सही मायने में हम लोग के कुएं में पानी है, जिस पानी के सहारे ये लोग सदन में जाते, लोकसभा में जाते हैं। तू कह रहे हैं कि हमारे कुएं में इतना पानी है कि सबको पिलाएंगे, कटाक्ष कर रहे हैं आप सभी किसी वो को? पानी नहीं है, वो कायरो की ये पानी है। अच्छा। समझे, ये धोखेबाजों की पानी है। और वो वहाँ जो आका बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी अमित शाह, उसके डर से पानी हो गए ये लोग। ये लोग पानी हो गए और घर में दुबक गए, कोई चाणक्या में होटल में छुप गए, कोई कहीं हो गए, कोई सदन में जा करके मौका नहीं मिला तो बटन दबा दिया पी। आपने देखा होगा कि वो उनके भाई एक एप्लीकेशन लिखे थे, एप्लीकेशन में अंशुमान ने साफ तौर पे कहा था कि हमारे भाई 5 बजे निकले थे, वो बोले थे कि 7 बजे तक हम चले आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखा कि तेजस्वी यादव के आवास पे होंगे, तो सर्च वारंट भी गया था, तो वो पानी कहाँ था कि उनके घर पे जाकर? ये आपको बता दूं कि सामंतवादी मानसिकता वाला जो खेल खेली गई और खेला की बात हो रही थी, नीतीश कुमार जी को तो एहसास हो गया था, चच्चा को एहसास हो गया था कि हम बहुमत सदन में बिहार विधानसभा के पटल पे बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, खेला हो चुकी थी। लेकिन आका वहाँ जो बैठे हुए हैं केंद्र में, नरेंद्र मोदी अमित शाह, उन लोगों ने अपना जादू की छड़ी घुमाया और ऐसे लोग को डराया, वो छड़ी से डर करके कुआं के पानी सूख गया और जा करके तत्मस्तक हो गए। समझे, ये लोग ये वीर कुंवर सिंह के बेटा थोड़ी ना हो सकते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज थोड़ी ना हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, वो नहीं है, रघुकुल रीत सदा चली आवत, प्राण जात पर बचन न जावत। सुने होंगे आप लाइन, बचन तो आप ओथ लिए थे विधानसभा में, पार्टी के नाम पे, जिस पार्टी से आप विधायक चुने गए, और ऐसे, लेकिन बहुजन के पार्टी जो है
उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप कैसे लोगों को गले लगाते हैं, कैसे लोगों को सदन में पहुंचाते हैं। आप कल तक ए टू जेड की बात कर रहे थे साहब, आज धोखा देने वाले कौन है, आपके पीठ पे छुरा चलाने वाले कौन है, इसको भी आप आइडेंटिफाई कीजिए। तेजस्वी जी से क्या कहिएगा आप, तेजस्वी जी से कहिए इस चीज को। चिन्नी तेजस्वी भाई को यही कहेंगे कि तेजस्वी भाई आप पहचानिए उस चेहरे को, चिन्हित कीजिए और हम जैसे युवा नौजवानों को साथ में लाइए कि पगड़ी बांध करके और ठाकुर के कुआं, नकली कुआं का पानी सुखा देना है इस बार। नकली कुआं कौन, असली कुआं कौन? असली कुआं हम लोग भाई, बहुजन के लोग, दलित शोषित वंचित लोग हैं हम लोग। ज्यादा से ज्यादा बूथ पे तैनात हम लोग होते हैं, वोट हम लोग करते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, समझे। ये लोग को रामराज याद आता है, कौन है ये राम, नाथूराम गोडसे कौन है ये राम, दीनदयाल उपाध्याय कौन है ये राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है ये राम, ये लोग बात कर रहा है साहब। ये लोग वो लोग हैं कि क्या कहते हैं, मैं नाथूराम, मेरा फॉलोवर्स है, गांधी नहीं है, आदर्श मेरा नाथूराम। अरे लोहिया को मानो ना, कर्पूरी को मानो ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानो ना, मुंगेरी लाल पासवान को मानो ना। आपको मालूम है कि जो गरीब शोषित वंचितों को हथियार देने की बात किया था, कौन किया था? कर्पूरी जी की सरकार में। एक हजार आप बात कीजिए, कर्पूरी जी की सरकार में वो कमीशन जब रिपोर्ट सौंपी गई थी तब कर्पूरी जी, कौन सा? मुंगेरी लाल रिपोर्ट, पढ़िए आप। मुंगेरी लाल का रिपोर्ट जो है उसके अनुसार आज जो 74% कैप लागू हुई है वो उनका देन है। ऐसे मुंगेरी लाल जी को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, समझे। अच्छा, ये लोग क्यों गए, चेतन आनंद क्यों गए, आखिर में क्या उनको मजबूरी हुआ, क्या दिक्कत था कि वो एनडीए के साथ चले गए, कोई डर था क्या, वो अपने पिता के बदौलत गए, पिता के कारण? ये गए अपने कि भाई पिताजी इतने साल तक जेल में, जी कृष्णैया की हत्या में, चक्की पिसिंग, तो अब वो ना हो रहे भाई, इसलिए वो तत्मस्तक हो गए। उधर अनंत सिंह की मैडम का नाम नीलम देवी, नाम वो भूल जाते हैं जी, क्या ऐसे लोग जिस कुआं में पानी ना हो तो क्या के लिए नाम याद रखेंगे रे भाई। अच्छा, समझे। तो वो भी अपने पति के प्रेम में कि भाई उनको भी अंदर आर्म्स एक्ट में गए हुए हैं तो बाहर ही रहें, हाँ, बाहर आ जाएं, हाँ, तो वो चीजें। तो देखिए, जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना भी बाहुबली है, वो नमो मोदी जय श्री राम कर देगा, गंगोत्री के जल छिड़क करके उनको गले लगा लिए जाते हैं। ये है चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जो बड़का जुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी है। ये ए टू जेड वाली जो पार्टी है राजद, अब तो उन्हें पता चल गया हो कि असली कौन है, क्योंकि डकबंगला चौराहे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के बारे में। बिहार विधानसभा के गेट पर कौन लोग खड़ा था कल देख लिए होंगे आप भी, कितना लोग, किस समाज के सबसे ज्यादा लोग वहाँ खड़े थे। वो लोग सदन के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे, सदन के बाहर उनके लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ये ए टू जेड समीकरण बना रहे हैं क्यों? वहाँ पे कितने लोग थे? जो लोग भी थे, क्या उसमें क्या कुआं के पानी वाले थे क्या? ठाकुर के कुआं का पानी जो था वो थे क्या? ये बहुजन के लोग थे, वो लोग तो अंदर में लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग बाहर में ताकत देने के लिए खड़े थे। और आपको बता दूं कि जो पगड़ी वाले बाबा कल तक बच्चे का कसम खा कर कहे थे कि मैं बच्चे का कसम खा के ये पगड़ी बांधता हूँ कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा, तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा, वही जाकर तत्मस्तक हो गए। तो उनकी भी औकात पता चल गया कि ऊपर का फरमान के सामने वो जीरो हैं। और जो डाक बंगला पे जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब तो रामराज आ गया रे भाई, नियोजित शिक्षक को करो ना परमानेंट, के क्यों नहीं रोजगार दे रहे हो। और ये पांच लोगों से मेरी पांच मांगे हैं, बताइए ना, समझे, पांच लोग, जल्दी जल्दी, नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से, मोटा भाई अमित शाह से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से कि बिहार में भी एनडीए की सरकार और देश में भी एनडीए की सरकार, मतलब केंद्र में भी। तो भैया कब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे? भैया कब आप पे पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे? साहब ये जो बिहार में बंद पड़े कल कारखाने हैं कब पुनः चालू करवाएंगे आप? यहाँ नियोजित शिक्षक को कब परमानेंट कर रहे हैं? गरीब शोषित वंचित लोग यहाँ पे नदी तालाब और गर्मजरुआ जमीन पे रहते हैं, उनको आप उजाड़ रहे हैं, उनको पुनर्वास की योजना कब लाएंगे? साहब आप ये पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में शामिल कीजिए ना। ये नहीं, बिहार के
हर एक गरीब शोषित वंचितों को हर एक हाथ को रोजगार दीजिए ना। अब तो रामराज आ गया, तो कब है? ये लोग बोले थे कि 10 दिन के अंदर में आशा बहनों को, नियोजित शिक्षकों को, जिन लोगों को निकाले हैं, उन 18,000 लोगों को निकाला गया था ना, 17,000, उन लोगों को परमानेंट कर, क्या हुआ? ये लोग कुछ नहीं, इन लोग के ठाकुर के कुएं में पानी नहीं है, सूख गया है, ये लोग समझिए कि तत्मस्तक हो चुके हैं। तो उस समय का भी ठाकुर का कुआं, मनोज झा जी का द्वारा पढ़ा हुआ, वहाँ भी ठाकुर का कुआं साबित हो गया कि ये लोग विश्वास योग्य नहीं है, ये लोग खंजर चलाने वाले लोग मनुवादी हैं। चलिए, तो जो खंजर चलाने वाले लोग हैं ये सभी कोई मनुवादी है, और तेजस्वी यादव से भी आग्रह किए हैं कि तेजस्वी जी आपके कौन लोग हैं, अपने उनको आप पहचानिए, आप हमेशा धोखा खा जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कौन, राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान का 5 मांगे है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी गठबंधन की सरकार है बीजेपी वाली, तो आखिर में क्यों नहीं मिल रहा है? बाकी और सब मांगे हैं आप सुने होंगे वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरे के पीछे पंकज है, बहुत बहुत धन्यवाद।